होम डोमिनेशन समाप्त हुआ है। मुकाबला नंबर 10 टाटा आईपीएल 2024 और केकेआर को आरसीबी बहुत रास आती है। बेंगलुरु का मैदान बहुत रास आता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिल गई है हार और होम ग्राउंड में पहली बार 2024 के आईपीएल में हुआ है कि होम टीम हो गई है बेजुबान। मेहमानों ने किया है कमाल का प्रदर्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत का जश्न मनाया है जहां पर गेंदबाजों आरसीबी के बेजुबान नजर आए। पावर प्ले के अंदर खासा पिटाई हुई उनकी। शुरुआत तो बेंगलुरु ने किया विराट कोहली के विराट पारी ने देखा तो ज़रूर, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ। अगर एक और जगह अगर आपको बात बताएं तो 20 विराट कोहली के इनिंग्स को अगर डिकोड किया जाए तो 20 उन्होंने पहली जो 20 गेंद खेली उसके अंदर जो 40 रन बनाया, बाकी के जो 39 उन्होंने बॉल खेले उसके अंदर सिर्फ 43 रन बनते नजर आए। वहाँ पर भी एक समस्या का विषय नजर आया, नहीं तो विराट कोहली के साथ एक अलग केस होता है। वो एक अलग आउट ऑफ ऑल एक अलग बीस्ट नज़र आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाए, एक्सेलरेट उतना ज़्यादा कर नहीं पाए। सामने तरफ से विकेट गिरती रही और कोई दूसरे से मिला नहीं साथ। जरूर दिनेश कार्तिक थे कुछ देर तक, लेकिन बाकी और कोई उतना ज़्यादा प्रदर्शन कर नहीं पाया। विराट कोहली ने 83 बनाया, 8 पाप डुप्लेसिस के थे 33, कैमरन ग्रीन के 28, मैक्सवेल के 20 रन कार्तिक के थे। हर्षित राणा ने 2 विकेट अटकाई, 2 विकेट रसल, 1 विकेट नारायण। जहां पर बताएं कोलकाता की जवाब बल्लेबाजी तो नारायण जपता रहा कोलकाता, क्योंकि गजब किया है काम उन्होंने। 22 गेंदों में 47 रन बनाया, 20 गेंदों में 30 रन शॉर्ट भी बनाया और 50 वेंकटेश अय्यर ने जड़ दिए श्रेया अय्यर के 39। रिंकू सिंह ने 5 बनाया, रैना बहाद 1-1 विकेट, मयंक डाकर, विकास यश दयाल ने चटकाए। बताएं आपको 7 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले को अपने नाम करता नजर आया। आप देख रहे हैं क्रिकेट तान, अगर आपको चाहो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।